और जो घर में है वो घर का। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? क्योंकि लूथरा होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। हर किसी को लूथरा बनना है, पर हर किसी की किस्मत इतनी बुलंद नहीं होती। अब अगर ये एसआरके की मन्नत जाकर खड़ा हो जाए तो ये मन्नत का या मन्नत इसकी थोड़ी हो जाएगी। मेरे लिए तो बड़ों के कदमों में ही मन्नत है और जन्नत भी है। और क्या कहा तूने कि हर कोई लूथरा बनना चाहता है? नहीं, हर कोई लूथरा नहीं बनना चाहता। मैं लूथरा नहीं बनना चाहता। मैंने तुझसे कहा ना, सोच समझ के बात किया कर। देख बात कहां से कहां पहुंच गई अब। अब भाइयों और बहनों, बहनों आई मीन भाइयों बहनों और पत्नियों, पत्नी एंड मम्मी। हाँ। अभी राजवीर जो कुछ भी कह रहा था वो हमने आधा अधूरा ही सुना, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। I totally agree with him. कोई किसी की पहचान क्यों बनना चाहेगा? हर एक को अपने खानदान के ऊपर नाज होता है। आई थिंक यू आर टोटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। Of course, Dad. आपको तो बस मौका चाहिए सबके सामने मुझे गलत साबित करने का। sure, आज नहीं, आज त्योहार है, आज का दिन मैं तुम्हें खराब नहीं करने दूंगा, इसलिए तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। तुमने जो कहना है कहो, जो तुम्हारे मन में आए बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आई एम कूल, जस्ट चिल। एक्चुअली वो क्या हुआ ना, बड़ी मॉम ने मुझे जल्दी जल्दी नीचे बुला लिया तो मैं जल्दबाजी में अपना फोन ऊपर भूला है, तो मैं बस ऊपर जाकर अपना फोन लिया। प्लीज जल्दी ला, जाओ जाओ जाओ। यार मैंने क्या गलत बोला है? अरे थोड़ा ओके ठीक है राजवीर, चलो ऑफिस का काम निपटा लेते हैं। जब तक मुहूर्त शुरू होगा तब तक हमारा काम भी खत्म हो जाएगा। कम ऑन, लेट्स गो। मेरे हैंडसम भाई तैयार? कहाँ है मेरे हैंडसम भाई? आपकी बहन आ चुकी है। मम्मा कैसी हो बेटा? सिर्फ तेरा इंतजार कर रहे, तेरी कमी थी बस। तेरी कमी थी मतलब? बिना इसके रक्षाबंधन का त्योहार होगा, कमी क्या है? ओके, सो मैं फटाफट ना रक्षाबंधन का थाल रेडी करके आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक तू रक्षाबंधन का थाल तैयार करेगी ना तब तक मैं ऑफिस का काम भी निपटा लूंगा। बिल्कुल सही बात। शौर्य, बड़ी मॉम, तुझे पता है मैं तुझे ही लेने आ रही थी। देख तो तेरी और मेरी कनेक्शन कितनी डीप है। मैं तुझे लेने तेरे कमरे में जा रही थी और तू आ गया। क्यों, आपके दूसरे पोते से आपका मन भर गया क्या? राजवीर से बातें करने के लिए बची नहीं कुछ? ये तू कैसी बातें करता है, क्यों करता है बार बार वो दूसरा पोता दूसरा पोता? इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि तू उससे इतनी नफरत करता क्यों है। नफरत करने का वक्त नहीं है मेरे पास बड़ी माँ, मुझे उसको देखकर पता नहीं क्या हो जाता है, इरिटेट सा हो जाता हूँ। घर में ऑफिस में मुझसे ज्यादा उसकी चलती है, मेरे अपने डैड मुझसे ज्यादा उसे मानते हैं। वो आता है और उसके आते ही जो मेरे अपने हैं जो मेरे साथ खड़े होते हैं उसके हो जाते हैं, उसकी साइड हो जाते हैं। पुत्र मेरी एक बात मानेगा, ये अभी तूने जो कुछ भी बोला ना ये सब तेरी सोच है, तेरा अपना नजरिया है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं होता ना कि इंसान जो सोचता है उसका जो नजरिया होता है वो हमेशा सही हो, गलत भी तो हो सकता है। तू गलत है, तेरी सोच गलत है। एक बार अपनी सोच को बदल के देख, फिर ये छोटी छोटी बातें जो तुझे चुभती है हर्ट करती है वो हर्ट नहीं करेंगी, इतनी नफरत नहीं होगी तुझे। क्योंकि सच तो ये है कि हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं बड़ी माँ, सब कुछ ऐसे नहीं बदल सकता, सब कुछ ऐसे खत्म नहीं हो सकता। सफेद को काला कह देने से या काले को सफेद कह देने से बदल तो नहीं जाता ना। मुझे वो अच्छा नहीं लगता मतलब मुझे वो अच्छा नहीं लगता, अब उसे लाइक करने के लिए मैं अपने माइंड को मैनिपुलेट तो नहीं कर सकता ना बड़ी माँ। और प्लीज आप ना मेरा पीछा छोड़ दीजिए। जब देखो जब राजवीर राजवीर राजवीर
मेरे घर वाले यहां उसके समझ नहीं आता। का तू सामान है, तू साथ है, तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। रक्षा, ये वर्ड बहुत टाइम बाद सुन रहा हूँ मैं, जैसे वो त्योहार रक्षाबंधन। हाँ, तो भाई का फर्ज होता है बहन की रक्षा करना। अब भाई कहा है तो मैं अपना फर्ज हमेशा निभाऊंगा और कभी रोने नहीं दूंगा। निधि कहाँ है? मैं यही हूँ। इतना खतरनाक है कि अगर एक बार किसी को काट ले तो सामने वाला 45 मिनट में सीधा ऊपर। अरे इस तरह बैठो। ई चलो चलो बड़ों की बात मानते। मैं उठा उसको। ये देखो ये वाली राखी मैं कृष्ण जी को पहनाऊंगी और ये आप। बहुत खूबसूरत है। सब तैयारियां हो गई ना? हाँ, कुछ मिस तो नहीं हो गया? अरे खीर, कृष्ण जी की खीर तो, रुक जा मैं लेकर आती। राजवीर उतर, आंखें खोल। डोंट वरी, दोनों ठीक हो जाएंगे। आप लोग प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए, इन्हें फ्रेश एयर आने दीजिए। जी प्लीज। कुछ नहीं हुआ, ऐसे एक्टिंग कर रहा है। फैमिली की सिंपैथी गेन करना चाहता है। शौर्य, चुप हो जाओ। कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे।
वक्त की नजाकत को समझ के तो बात किया कर। आज तक मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा दिल दुखे, तुम्हें बुरा लगे या फिर तुम ये सोचो कि तुम्हारे ही परिवार वाले तुमसे प्यार नहीं करते, इसलिए चुप थी। लेकिन आज आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं सच का आईना तुम्हें दिखाऊं, पूरे परिवार के सामने तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊं। तुम क्या हो? आज आज कौन सा त्योहार है? आज रक्षाबंधन का पावन अवसर है। राजवीर काव्या का मुंह बोला भाई है, लेकिन आज के दिन उसने भाई होने का फर्ज निभाया। मेरी काव्या की जान बचाई उसने। सच कहूं तो यहाँ सबसे बड़ा आज राजवीर हो गया है। अपनों से ज्यादा अपना राजवीर है। शर्म आनी चाहिए तुम। तुम्हारी बहन की जान बचाई, तुम्हें थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन या कदर नहीं हो रहा उसके लिए? तुम कह रहे हो कि वो एक्टिंग कर रहा है? आंखें खोलो अपनी शौर्य, तुम्हें तो राजवीर को थैंक यू कहना चाहिए। रियली? हाँ शौर्य, रियली। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? दिखाई देना बंद हो गया तुम्हें? देखना नहीं चाहते या फिर रिश्तों का ऐसा रंग तुम्हें कभी दिखाया नहीं गया है? शौर्य, काव्या तुम्हारी बहन है, उसकी जान पे बनाई थी राजवीर, आज की जान बचाई बचाई। लेकिन एक बड़ी बात है, मैं तो देर से आया था लेकिन राजवीर ने काव्या की बॉडी से जहर पहले निकाल दिया था, वरना सच कहूं तो इनफैक्ट गारंटी के साथ कह सकता हूं आज आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देते हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जिस सांप ने काव्या को काटा है ना, वो बहुत ही जहरीला सांप है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने पूरे घर को अच्छी तरह से थॉरली चेक कीजिए, किसी सफेरे या फिर स्नेक कैचर को बुलाइए और उसे ढूंढिए, उसे पकड़िए, वरना आपकी फैमिली की जान खतरे में है। वैसे काव्या की किस्मत में तो राजवीर था, लेकिन अगर उस सांप ने किसी और को भी काट दिया और टाइम पर कोई और दूसरा राजवीर नहीं आया तो आई एम अफ्रेड कि जान जा भी सकती है। प्लीज टेक केयर ऑफ इट। डॉक्टर थैंक यू फॉर योर सजेशन, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऑल्दो हम लोग मैं स्नेक कैचर को बुला के पूरा घर एक बार थॉरली चेक करवा लूंगा, बट जस्ट इमरजेंसी के लिए अगर स्नेक ने किसी और को काट लिया तो उसके लिए आप मुझे कोई एक एंटी वेनम दे दीजिए, जस्ट इन केस हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहते हैं उसको। या श्योर। एज़ बेटर काबू, राजवीर बेटर फील हो रहा है? ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। नो 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 नीड, आई विल गो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। काबू बेटा नहीं, अभी उठना मत, तुझे रेस्ट की जरूरत है, अभी तो इंजेक्शन लगा है। रेस्ट होती रहेगी बड़ी माँ, मुहूर्त निकल जाएगा, राखी की रस्म निभा लेते हैं। अरे तू कैसी बातें कर रही, राखी बाद में बांध ली, हम लोग सब इधर ही हैं, तू अभी रेस्ट कर, तू ये सब मत कर। ऋषभ बिल्कुल सही कह रहा है, काव्या रुक जा, थोड़ी देर बात कर लेना। ऋषभ पुत्र, काव्या ठीक कह रही है, राखी का मुहूर्त चला जाएगा, बांधने दे से। Come on, let's go. मैं घर के लिए निकलता हूँ, देर बहुत हो गई है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। राजवीर,
दीदी अब ठीक है? आप ठीक हो ना? आप क्या हुआ? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? थैंक यू भगवान जी, दी ट्रांस में बोल रहे थे, रियल में इन्हें अतीत याद नहीं आया, कुछ याद नहीं आया, थैंक गॉड, थैंक यू हाँ, हम तो रक्षाबंधन कन्हैया जी को राखी बांध रहे थे ना? हाँ दी, वो आपको ना थोड़ा चक्कर आ गया था तो हम आपको। कुछ नहीं प्रीता जी, आराम करो, हैं रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा पैर ऊपर कर लो, थोड़ा आराम से। ये जो निधि है ना, ये लूथरा खानदान की बहू बन के बैठी है, उसकी पागल बहन अंजलि ने करवाया था। एक्सीडेंट में रुद्र खो गया, जैसे तैसे करके लोगों ने दी, जीजू और शौर्य को हॉस्पिटल पहुंचाया। दी और जीजू को तो होश नहीं आया, लेकिन लूथरा परिवार ने शौर्य को छीन लिया। करिए बुआ, शौर्य कहीं नहीं जाएगा। जब दी को होश आया तो लूथरा परिवार ने दी को बहुत कुछ सुनाया, उन्हें ये तक कह दिया कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, माँ की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। ना तुम एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना एक अच्छी बहू। अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे उनके हाथ में शौर्य था, लूथरा परिवार ने उनके हाथ से शौर्य को छीन के उन्हें परिवार के बाहर निकाल दिया, धक्के मार के उन्हें उनसे अपना बच्चा छीन लिया। बताओ, जैसे तैसे करके दीने रुद्र को उस अंजलि के चंगुल से बचाया, वो रुद्र को लेके भाग ही रही थी कि अंजलि ने उनको फिर से एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई भगवान जी की कृपा से, कि अंजलि की गाड़ी खाई में गिर गई, और सिर्फ अंजलि नहीं, दी भी खाई में गिरने वाली थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, दी ने एक हाथ से पत्थर पकड़ा हुआ था और एक हाथ में रुद्र था। जब मैं वहां पहुंची तो दी ने कहा कि मेरी चिंता मत कर सृष्टि, तू रुद्र को बचा। मैंने जैसे तैसे करके रुद्र को बचाया और मैंने दी को भी। अगर मेरी दी उस दिन खो जाती तो मेरा क्या होता गुरप्रीत जी? मैं रुद्र को कैसे पालती अकेले? इतना बड़ा सदमा पहुंचा है मेरी दी को उस हादसे के बाद। क्या क्या हुआ? हाँ, वो क्या है ना, मैं वो ब्रीफकेस उठा रहा था वहां से, और उठाते वो ब्रीफकेस मेरे पैर पे गिरे, आग गिर गई भाई। ऐसा लग रहा है मेरे प्राण निकल गए, ऐसा लग रहा है 2 मिनट के लिए मेरा भगवान देख लिया। मोहित, कैसा लड़का है तू, क्या दर्द दर्द कर रहा है? तुझे पता भी है काव्या के साथ क्या हुआ अभी? काव्या को सांप ने डस लिया था। कितना पेन हुआ होगा उसे, तुझे पता भी है? मौत के मुंह से जस्ट बाहर आई है वो। क्या, काव्या को सांप ने काट लिया? अरे आराम से, जोर से क्यों बोल रहा है? कोई सुन लेगा तो फालतू टेंशन लेने लगेंगे। अभी सब कुछ ठीक है, सब कंट्रोल में है। मैंने एक्चुअली काव्या के हाथ से जहर निकाल दिया था, और वो जहर का असर मुझ पर भी हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सो नॉट टू वरी, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे और काव्या दोनों को वो एंटी वेनम का जो डोज है वो दे दिया था, तो अब हम खतरे से बाहर हैं। मोहित, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा, तूने किसी अर्जेंट काम के लिए तो कॉल नहीं किया था ना? नहीं नहीं नहीं, तुझे बस मैंने इसीलिए कॉल किया था कि तू घर कब आएगा। मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, यहाँ से मैं डायरेक्टली ऑफिस जाऊंगा, और यहाँ से मैं राखी बंधवाने के बाद निकल जाऊंगा। काव्या मुझे राखी बांध रही है। अच्छा मोहित, चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, मेरी बहन मेरा वेट कर रही होगी। हाँ ठीक है, चल ख्याल रख तू।
अब बल्कि पुत्र तू अभी घर जा है, मैं आती हूँ ना इसको लेके तेरे भाई को। राखी है मेरे पास और मिठाई मैंने मंगवा दी है, तो ठीक है बुआ जी, उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। है ये माँ इतनी इमोशनल क्यों हो गई? राजवीर ने काव्या का जहर, मतलब इमोशनल तो होंगे, राजवीर की वो माँ है, उन्हें इतना बुरा लगेगा। और काव्या, काव्या भाई मानती है राजवीर को। बात तो वही है ना, मानती मानती है, लेकिन वो है, लेकिन वो है। मतलब राखी ब्रदर, राखी सिस्टर के रिलेशंस तो ऐसे ही बनते रहते हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं कह रही हूँ ना, लूथरा हाउस जाना जरूरी है, क्योंकि 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 मुझे सब कुछ याद आ गया। क्या याद आया? सृष्टि, वो जो लेडी थी हॉस्पिटल में डॉक्टर के भेस में, मैंने उसका चेहरा देखा था। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन मैंने उसकी आंखें देखी थी, और अब मुझे याद आ गया कि वो बिल्कुल निधि जैसी थी। वो निधि थी। दी, आप है ना आईसीयू में थे, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, वो नहीं हो सकता ना। सृष्टि, मैं बोल रही हूँ ना, अभी मैं वॉशरूम में फेस वॉश कर रही थी, मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा आ गया। उसकी आंखें वो एकदम निधि जैसी थी। हाँ, और मैंने उसका मास्क भी उतारने की कोशिश की थी, और उस छीना चपटी में उसके मुंह पर स्क्रैच भी मार दिया था। अगर वो निधि होगी ना, तो अभी भी उसके चेहरे पर स्क्रैच होगा। चल लूथरा हाउस चलते हैं और जाकर निधि को मिलते हैं। और अगर उसके चेहरे पर वो मार्क दिखा ना, तो इसका मतलब वही है जो मेरी जान के पीछे पड़ी हुई। एक मिनट, वही है जो मेरी जान लेना चाहती है। अरे मैं भी उससे पूछना चाहती हूँ, कैसी क्या बात हो गई है, क्यों पड़ गई है मेरी जान के पीछे? आराम से दी, शांत हो जाइए। हाँ, आपको ना कोई गलत फहमी होगी जी, वो निधि भला वो आपके पीछे क्यों पड़ी रहेगी है? उसको आपसे क्या मतलब? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने निधि का बिगाड़ा क्या है। जितना मुझे याद आ रहा है ना, वो निधि ही है। एक मिनट, ठंडे दिमाग से सोचते हैं। आप हॉस्पिटल में थी, आप आईसीयू में थी, और जहां तक कि मुझे याद है, पहले तो तू मुझे ये बता कि तेरे चेहरे पे एक खरोच कैसे आई? जंगली बिल्ली के पंजे। निधि को मैंने हॉस्पिटल में देखा नहीं, और एक मिनट, मैंने उसका चेहरा देखा हुआ है, उसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, आपको शायद गलत फहमी हुई है शायद। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ, तू चल मेरे साथ। एक मिनट रहा, चल। एक काम करते हैं, गुरप्रीत जी ने जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया आपके लिए, पहले वहाँ चले। नहीं, पहले वहाँ चले। देख, अगर तुझे मेरे साथ नहीं आना है तो मत आ, लेकिन मैं लूथरा हाउस जा रही हूँ। एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे आपके साथ आना नहीं है दी। ठीक है, चलिए लूथरा हाउस चलिए। चल यार शनाया, एक बात तो बताओ, तुम इतना खाती हो फिर भी खुद को मेंटेन कैसे करके रखती हो यार? दिमाग यार, ब्रेन पावर। मैं ना अपने दिमाग को बोल देती हूँ कि मैं कुछ भी खाऊ ना, बस हमेशा स्लिम एंड ट्रिम रहूं। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि आजकल तुम लड़कियाँ इतनी फिगर कॉन्शियस क्यों हो गई हो। जब खाती हो फिर कहती हो कि भाई बहुत मोटी हो गई हो, अब मुझे वेट लॉस करना है, पतला होना है, और जब बहुत ज्यादा पतली हो जाती हो फिर कहती हो ना ना ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा खा लेते हैं। अरे हमारे जमाने में हम तो जिंदगी मस्त में जीते थे, खाते पीते थे और इतना कॉन्शियस भी नहीं होते थे। मैं तो कहती हूँ तुम लोग को भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जिंदगी अच्छी जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छा इंसान बनना, और एक अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छे कर्म करना भी बहुत जरूरी होता है। तो मैं कहती हूँ कि जब भी मौका मिले ना, तो सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, आगे बढ़ के सबकी मदद करो, चाहे वो मांगे या ना मांगे, तब भी। फिर देखो
जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाती है। बस जिंदगी का फोकस ये होना चाहिए कि अच्छे कर्म करके अच्छे इंसान बनो, बस। पलकी बिल्कुल ऐसी है। पलकी गुरुद्वारा जाती है, वहां पर जो लंगर लगता है उसमें हाथ बटाती है, सबकी सेवा करती है। पलकी शनिवार और रविवार की रात गरीबों के मोहल्ले भी जाती है, वहां के छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तुम्हें पता है? हर वो बात जो पता हो कहकर बताना जरूरी नहीं होता है पलकी। इतना पता है मेरे बारे में तो मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या है वो क्यों नहीं पता चला तुम्हें? दी, आपने सुना ना, उस गुंडे ने आपका नाम लिया था दी। इसका मतलब वो किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा था जिसने सही में आप पे अटैक्स करवाए, जो सही में आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। मन तो ये कर रहा है कि मैं वो इंसान हमारे सामने से गया थी और हम उसे देख ही नहीं पाए। अरे भैया, उसका पीछा करना ठीक है मैडम। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कौन हो सकता है जो मेरी जान लेना चाहता है? और इसकी तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी, मुझे भी देखनी है। मैंने तुझे कहा था ना, कोई तो मुझसे बहुत नफरत करता है कि मुझे मारना चाहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे होती, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपको जो लग रहा था ना वो बिल्कुल सही लग रहा था, कोई ना कोई आपकी जान के पीछे पड़ा है। अच्छा खासा आज हम उसको देख लेते लेकिन मिस कर गए। भैया ये गाड़ी खड़ी है ना यहाँ, इसे जो चला रहा था जिसकी गाड़ी है वो कहाँ गए? पता नहीं, माचिस लेके अभी चला गया था। अरे भैया ऐसे तो आपकी दुकान के सामने जब गाड़ियाँ आ जाती है तब तो बड़ी आपको प्रॉब्लम होती है, झगड़े कर लेते हो आप लोगों के साथ, और अभी आपने देखा नहीं वो बंदा कौन है? चाय पियोगे आप? चाय बोल रहे, चाय पियोगे? हाँ तो वो यही बोलेगा ना, उसे नहीं पता वो कहाँ है। अभी क्या करें, मुझे तो लगता है उसने हमें देख लिया इसलिए अपनी गाड़ी तो छोड़ के भाग गया यहाँ से, मुझे तो पहचानता ही है ना। तो अब क्या करें? अब हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? छोड़ो, घर चलते हैं, कल देखेंगे इस बारे में क्या करना है, चल। अरे यार, अच्छा खासा अपने हाथ आया था, बताओ। अब नहीं मिल रहा है, भाग गया तो क्या कर सकते हैं, घर चलते हैं, इससे पहले कुछ उल्टा ही हो जाए। भैया ऑटो स्टार्ट कीजिए। एक काम कर, वो नहीं है, सिग्नल तोड़ दे। सच चले? हाँ तोड़ दे, चल। यही चेक कर रहा था मैं, यही चेक कर रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? क्या कर रहा था? सिग्नल तोड़ रहा था। अरे तूने ही तो कहा सिग्नल तोड़ के चल। तो मैं कहूंगा कूद जा तो कूद जाएगा कुएं में, ऑब्वियसली। क्या मतलब है? अरे मैं चेक कर रहा था तेरे ड्राइविंग स्किल, मैं चेक कर रहा था तू कितना फॉलो करता, जब मैं बैठा नहीं होता तो कितना फॉलो करता, फेल हो गया तू। अरे ये क्या तरीका है? क्या तरीका क्या है? और कैसी भाषा में बात कर रहा? फेल हो गया मैं, कैसे फेल हो गया? तो बुरा लगी। मुंबई है मेरी जान, मुंबई है, गुस्सा मत हुआ कर। देख क्या है ना, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और अपने देश के सारे रूल्स फॉलो करता हूँ, मजा ही अलग है उसमें। मैं बताऊँ, ये देख ये गली है, यहाँ से 2 मिनट में पहुंच जाएंगे घर।